ये पॉजिटिव साइंस तो हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बट देन अगेन पीएसएल में हमें ऐसी परफॉर्मेंसेज नज़र आती हैं। जाहिद महमूद के लिए कोई नया नहीं है कि वो विकटें ले रहे हों और अच्छा परफॉर्म कर रहे हों, लेकिन फिर यही प्लेयर जब नेशनल टीम में आते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी नज़र आती है। हमने उसामा मीर को भी देखा पीएसएल में, आप देख आपके सामने हैं, आप थोड़ा सा बेहतर भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन नेशनल टीम के लिए स्ट्रगल करते हैं। कराची की पिच ख़ास तौर पर स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी कंड्यूसिव नज़र आ रही है, बेहतर परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं स्पिनर्स यहाँ पर। कुछ अर्से पहले दानिश शाहिद आफरीदी का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ था कि सॉरी नो टैलेंट, तो मैं ये तो नहीं कह रहा है कि इतने सख्त लफ्ज़ जो शाहिद आफरीदी ने इस्तेमाल किए, लेकिन आपको याद होगा जब हम पीएसएल की फ़र्स्ट शो कर रहे थे तो वहाँ अब्दुलरज़ाक ने अफसोस का इजहार किया था कि ये नवा सीज़न है, लेकिन पहले सीज़न से नवे सीज़न तक हमें वही चेहरे नज़र आ रहे हैं। अगर आप देखें तो माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे नहीं पीछे जा रही है, क्योंकि वन ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर आप उनको लेकर चले जाते हैं चांद तक और एक परफॉर्मेंस के बाद आप उनके ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। मैं ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाऊंगा आपको, व्हाट अबाउट नवाज़, क्या कर रहे हैं वो? पाकिस्तान वनडे की टीम में भी थे, टेस्ट, बड़ा टाइम हो गया नवाज़ को, हर टीम में वो मौजूद थे और आज वो आपको स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसीलिए शुएब मलिक आज नवा सीज़न खेल रहे हैं, इसीलिए बाबर आजम, इसीलिए मोहम्मद रिजवान जो है उनको कोई रिप्लेस नहीं कर सका है कि वो अपनी फॉर्म के ऊपर काम करते हैं, वो अपनी फिटनेस के ऊपर काम करते हैं, नंबर वो पूरे लगाते हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर। ख्वाजा नाफी को आप देख लें, आप सऊद शकील की बड़ी ज़मीन आसमान की तारीफें कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस में तसलसल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि परफॉर्मेंस ख़राब है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है आपकी कारकर्दगी में तसलसल, वो तसलसल का मयार आपको दिखाई नहीं दे रहा। एक दिन आप बहुत अच्छा खेलते हैं, अगले दिन आप कहीं दिखाई नहीं देते। जहाँ तक कराची किंग्स की बात है तो वो कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो शान मसूद कुछ ऐसा ही मामला है शान मसूद के साथ, एक तो उनसे खुद परफॉर्म नहीं हो रहा और कल उन्होंने बहुत फैसले ऐसे किए जिनके ऊपर सवालात उठे। 31 गेंदों पर 71 रन कहीं से नहीं बनते थे दानिश, क्योंकि आपके 5 आउट हो गए थे लेकिन मैच को फिनिश किया। फिर जिस तरह शान मसूद ने बॉलिंग ऑप्शन को लिखा, शुएब मलिक का ओवर उनके पास है, नवाज का ओवर उनके पास है, मुजा रब्बानी उनके पास मौजूद है, आपने अनवर अली को गेंद थमा दिया। ये नहीं है कि अनवर अली में टैलेंट नहीं है, अनवर अली ने ही यहाँ तक इस मैच को लाने में मरकजी किरदार अदा किया था, उन्होंने वसीम जूनियर के आखिरी ओवर में 20 रन लिए थे लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। मेरा ख्याल है कि वहाँ पर अगर आप मुजा रब्बानी को बॉल देते वो हो सकता है हार जाते, लेकिन वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है, खासतौर पे आखिरी ओवर में जब आपको 15 रन दरकार हो तो यू गॉट टू पिक योर बेस्ट बॉलर जो आपको सबसे ज़्यादा चांस प्रोवाइड करते हैं। बट कराची किंग्स के बॉलिंग अटैक की अगर हम बात करें सिकंदर, आप कितने कन्विंस्ड हैं? एक तो हसन अली हैं उनके पास, फिर अनवर अली हैं, दोनों अब काफ़ी टाइम लगा चुके हैं, शुड दे हैव ऑप्टेड फॉर अ यंगर ऑप्शन या कोई और बेहतर चॉइस कर सकते थे? देखो, अनवर अली ने कल एक ओवर कराया, उसने 8-9 ऐसे कुछ रन दिए थे, 8 रन दिए थे यार, आपने उसको ओवर ही नहीं करवाया उससे और फिर आखिरी ओवर उसको दे दिया, पूरा सीजन उसको नहीं खिलाया, अजीब और गरीब किस्म की। मैं देखें, याद है मैंने एक प्रोग्राम में आपसे कहा था, आप जिस लड़कों को बाहर बिठाते हैं, रिजर्व में रखते हैं, उनको खिलाते रहें ताकि उनका रिदम बनता रहे। क्वेश्चन मार्क आता है शुएब मलिक की बैटिंग पे, आपने कल शुएब मलिक की बैटिंग देखी थी, उनसे शॉट ही नहीं लग रहे थे। क्या ये वक्त नहीं आ गया क्या वो रिटायरमेंट ले लें, आप कोई ऐसी कोई जगह आ जाए, हमारे साथ आके टीवी पे बैठे हैं या कोई कोचिंग कर लें, मेंटोर बन जाए, कुछ करें आप, उनको ये जगह खाली करनी है किसी नौजवान बच्चे के लिए। और क्रिकेट बोर्ड को भी ये देखना है कि भाई वो ठीक है, वो हो सकता है आके जाके लीग्स खेलें, मगर पाकिस्तान में तो वो एक जगह वो ब्लॉक कर रहे हैं, तो हमें ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। देखें, हमने कभी किसी को नहीं बोला कि साउथ शकील ये वो बहुत जबरदस्त है, हमने सिर्फ नाम लिखने शुरू किए थे, मैंने 8 नाम अभी तक लिखे हैं, हम उनको देख रहे हैं, एंड ऑफ द पीएसएल हम निकालेंगे कि इन्होंने क्या किया। हम स्पॉट तो कर सकते हैं ना सिकंदर, और एग्जैक्टली हम यही कर रहे थे, जब आप लिस्ट में किसी का नाम शामिल करते हैं, बिल्कुल आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं टैलेंट को, उस टैलेंट को फिर मैनेज किस तरह करना है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बनाया किस तरह जाता है और नेक्स्ट लेवल पर ट्रांजिशन किस तरह दी जाती है। एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया, आप देख रहे हैं HPL PSL स्पेशल।